17 मई को सागर स्थित परसोरिया में गुणायतन प्रणेता मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के दर्शन को मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल आए और मुनिश्री का मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। 17 मई को गुणायतन प्रणेता मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज के दर्शन और आशीर्वाद की आशा लिए मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल परसोरिया पहुँचे। उनके साथ ही विधायक महोदय श्री प्रदीप जी भी आए। महानुभावों का समाज के प्रबुद्ध जनों ने पटका पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत सम्मान किया। आगमन के बाद श्री प्रहलाद पटेल ने मुनिश्री के दर्शन को अपना सौभाग्य बताया और कहा कि इससे पहले शिखर जी में मुनिश्री के दर्शन करने का अवसर मिला। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे शंका समाधान के इस अवसर पर पूज्य प्रमाण सागर जी के सामने उपस्थित होने का मौका मिला है। मैं जब पहली बार शिखर जी में दर्शनार्थ गया था तब मैं केंद्र का मंत्री था और उस समय मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आगे मंत्री महोदय ने शंका समाधान कार्यक्रम की भी सराहना की और कहा कि शंका समाधान का क्रम निरंतर जारी होना चाहिए। ये सच है कि 100 से ज्यादा देशों में ये कार्यक्रम देखा जाता है और इसकी जो निरंतरता है और शंका तो हर व्यक्ति के मन में है और ये चुनौती भी है कि इन शंकाओं का अगर समाधान नहीं हुआ तो आने वाली परिस्थितियां और कितनी भयावह होंगी। इसलिए जरूरी है कि ये क्रम जो सनातन से चला आ रहा है ये क्रम और भी जिम्मेदारी के साथ बढ़ना चाहिए। अपनी भावनाएं व्यक्त करने के बाद समाज में नैतिक मूल्यों में आ रही निरंतर गिरावट के संदर्भ में प्रश्न किया। हम जैसे लोग संकल्प लेते हैं और उसके बाद फिर किसी विकल्प की बात करने लगते हैं, हम स्थिर नहीं रह पाते। जैसे आप अपने स्थान पर स्थिर चित्त के साथ इसी वातावरण में जिसमें हम लोग विचलित होते हैं, तो ये भी मुझे लगता है कि आज जरूर सोचने की जरूरत है कि हम, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं फिर पुनरावृत्ति कर रहा हूँ, मैं सबको नहीं कह रहा, लेकिन मैं अगर कोई संकल्प लेता हूँ और कुछ वर्षों तक मैं उस पर चलता हूँ और उसके बाद मैं फिर किसी विकल्प के बारे में सोचने लगता हूँ, क्या ये भी इसी विकास या का अभिशाप है? क्या यही प्रगति हमारे मूल्यों से टकराहट का कारण है? ऐसी बातें जो आम तौर पर सबके मन में आती है, पूज्य प्रमाण सागर जी से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि यही मेरी जिज्ञासा है और शायद यही मेरी शंका भी है। कैबिनेट मंत्री महोदय की शंका का समाधान करने से पहले मुनिवर ने प्रहलाद जी की वक्ता शैली की प्रशंसा की। अभी ये बोल रहे थे, आप सब सुन रहे थे और मुझे इनकी बात सुनकर ये नहीं लग रहा था कि कोई राजनेता बोल रहा है। मुझे इनके वचनों से ऐसा प्रतीत हो रहा था कोई एक सामाजिक और सांस्कृतिक चिंतन से भरा मनीषी बोल रहा है। निश्चित ऐसे प्रबुद्ध जनों से समाज का भला होता है और जिन लोगों का चिंतन अच्छा होता है उनका चरित्र भी अच्छा होता है और अच्छे चिंतन और चरित्र संपन्न लोग जब समाज का नेतृत्व अपनाते हैं तो समाज भी अच्छा होता है। और फिर मुनिवर ने प्रहलाद जी की शंकाओं का समाधान करना प्रारंभ किया। आपके पूरे वक्तव्य में 3 सवाल मेरे सामने उपस्थित हुए। पहला सवाल था विकास कहीं मूल्यों के गिरावट में कारण तो नहीं बन रहा है। ऊपरी तौर पर देखते हैं तो विकास से मूल्यों की गिरावट दिखाई पड़ती है, लेकिन मेरा मानना है कि ये हर युग में हुआ है। दूसरी शंका का भी समाधान मुनिश्री ने बड़ी ही सहजता से किया।
मुझे लगता है कि इनमें जो गिरावट आई है ये सामयिक मूल्यों पर ज्यादा है। समय काल के अनुसार हमारे सामाजिक मूल्य बदल जाते हैं। वर्तमान में हम उपभोक्तावादी युग में जी रहे हैं और इस दौर में अर्थ की प्रधानता है, और जब सभी सामाजिक मूल्य अर्थ केंद्रित होते हैं और पदार्थवाद हावी होने लगता है तो चीज़ें बदलती हैं। लेकिन इसका एक सकारात्मक पक्ष मुझे ये दिखता है कि इतने सब परिवर्तन के बाद आज भी शाश्वत मूल्य जो के तो है। मुनिश्री ने आगे कहा कि समाज में अब संस्कृतियों का वायरस फैला हुआ है। आपने दूसरी बात कही कि इतनी सब बातें सुनने के बाद भी जो गिरावट है उसका दौर कम क्यों नहीं हो रहा है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन है जो आपने कहा, ये भी एक परिवर्तन ही है कि पहले जिज्ञासु संतों को खोज के जाता था, अब संतों के पास उनका सहज आगमन है, संतों के कार्यक्रम उन तक जाते हैं, ये परिवर्तन है। लेकिन मेरा तो ये कहना है ये भी समय का परिवर्तन है, जब मनुष्य के चरित्र में ज़्यादा गिरावट हो तो हमें ज़्यादा व्यवस्था करने की ज़रूरत है। जब समाज में लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो तो डॉक्टरों की अस्पतालों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोरोना जैसा वायरस फैलता हो तो गली गली में डॉक्टरों की ज़रूरत है, उनको ठीक करने की ज़रूरत है। तीसरे सवाल का उत्तर देते हुए मुनिश्री ने कहा कि संकल्प बस यूं ही नहीं लिए जाते, लक्ष्य की पूर्ति के लिए लिए जाते हैं। अब संस्कृतियों का वायरस फैला हुआ है, इसमें जो सवाल है कि इतना सब कुछ सुनने के बाद भी जो परिवर्तन चाहिए वो दिखता क्यों नहीं, या गिरावट का दौर थमता क्यों नहीं। मेरा मानना है कि जो लोग आज संतों को सुन रहे हैं वो जितना संतों को सुन रहे हैं उससे ज़्यादा दिन भर किसकी सुन रहे हैं। आप देखिए घंटा दो घंटा लोग संतों के समागम में रहते हैं और वो भी बहुत थोड़े लोग, बहुत थोड़े लोग, प्रतिशत के हिसाब से लगाए तो एक आध दो प्रतिशत, 1% ही होगा, वो भी एक आध दो घंटा, बाकी 24 घंटे में और सारे दुनिया के लोग क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, किनके बीच रह रहे हैं। तो जो 24 घंटे ऐसी बातों में उलझे हुए हैं उनसे हम परिवर्तन की क्या अपेक्षा रखेंगे। तो हमको वो परिवर्तन दिखता नहीं। मैं तो मानता हूँ ये गनीमत है कि लोग संतों के बीच आ रहे हैं, तो अभी आदमी बने हुए हैं, यदि ये छूट जाए तो पता नहीं उनका क्या। समस्त शंकाओं के समाधान करने के बाद मुनिश्री ने अपने आशीर्वाद के रूप में कैबिनेट मंत्री महोदय को धर्म पुस्तक के साथ अपना आशीर्वाद भेंट किया। साथ ही समाज द्वारा विधायक श्री प्रदीप जी को भी मुनिश्री के सानिध्य में सम्मानित किया गया। जैन फोकस के लिए परसोरिया मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।